पहली बार इतना बड़ा प्रयास किया गया है कि रात को जो ट्रैफिक चलती है, खासतौर पे जो कमर्शियल व्हीकल्स इनडिसिप्लिन तरीके से गाड़ियां चलाते हैं, उसके ऊपर में कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली में समय समय पर हमें लोगों से शिकायत मिलती है कि रात को जो है गाड़ी चलाना बड़ा ख़तरनाक हो जाता है, खासतौर पे कमर्शियल व्हीकल्स की जो इनडिसिप्लिन ड्राइविंग होती है, और उसके अलावा कार्स या एसयूवीज वाले कई रात को बहुत इनडिसिप्लिन तरीके से गाड़ियां चलाते हैं। हमारे पास जो मैन पावर है वो इतनी नहीं है कि हम रात को भी डिप्लॉयमेंट कर सकें। मैन पावर कंस्ट्रेंट्स के बावजूद हमने ये डिसाइड किया है, अभी इसकी शुरुआत की है, कि जो हमारी नफरी है, हमारी स्ट्रेंथ है तकरीबन 5000 के आसपास, दिन में हम अपनी ड्यूटीज़ को के ऊपर कैंची चलाकर रात में तकरीबन हम 50% ऑफ द इफेक्टिव मैन पावर यानी कि तकरीबन 2000 के आसपास जो है रात को डिप्लॉय करने का प्रयास करेंगे। कल हमने 1178 पुलिसकर्मी दिन में ड्यूटियों से हटाकर रात में उनको हमने लगाया था। अटेम्प्ट थी कि सड़क पर जो व्यक्ति दूसरों की जान के लिए खतरा बनता है उन सबको काबू में किया जाए, और हर वो कमर्शियल गाड़ी वाला जो गाड़ी को इस प्रकार से चलाता है जिसमें सब नियमों की उल्लंघन होता है, उसको काबू में किया जा सके। तो इस प्रयास में 1774 चलान किए गए, जिसमें और इसके अलावा जो है 20 हमने केसेस इंडियन पीनल कोड में दर्ज किए गए, और उन उल्लंघन करने वाले जो बिल्कुल ही सड़क पर दूसरों की जान के लिए खतरनाक खतरा बने हुए थे, और 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। हम अबेटमेंट के अंदर कमर्शियल व्हीकल के मालिकों को भी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे।